हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द हिंदी क्लास। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। जैसे कि हमने अपने पिछले सेशन में आठवीं कक्षा का एक नया अध्याय बेताल की कथा शुरू किया था और उसमें हमें दो पात्रों के बारे में पता चला था, धर्मचंद जो कि एक कपड़े का व्यापारी था और दूसरा नए जज साहब। इस कहानी में धर्मचंद जो कि एक कपड़े का व्यापारी था, जिसने जज साहब की मनपसंद कपड़ा ना खरीद पाने की विवशता को महसूस किया और सस्ते कपड़े का बहाना बनाकर उनके लिए चार कमीजों का कपड़ा लेकर गया। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कि कैसे दोनों ने अपने फर्ज को निभाया। तो आइए पेज 88 पर सबसे पहले हम कठिन शब्दों को मार्क करेंगे। पहला शब्द है शेष, श को ए श शेष, शेष मीन्स रेस्ट और लेफ्ट। अगला स, आधा स, त को आ, सस्ता, सस्ता मीन्स चीप। आगे सात आने, यानी बेटे तब उस समय बहुत कम पैसे यानी एक रुपये में 16 आने होते थे और उन्होंने कपड़े का दाम क्या दिया, सात आने। आगे गज के हिसाब से, गज यानी टाइप ऑफ मेजरमेंट। सहर्ष, स ह श के ऊपर रेफ, सहर्ष मीन्स ग्लैडली और चेयरफुल। विश्वासी, व को छोटी ई, आधा श, व को आ, स को बड़ी ई, विश्वासी मीन्स ट्रस्टफुल। अगला शब्द लाज, लाज मीन्स रिस्पेक्ट। स्त्री, ई, आधा स, त, र को बड़ी ई, स्त्री मीन्स आयरन। पुनः, प को छोटा ऊ, न को विसर्ग, पुनः मीन्स अगेन। पक्ष, विपक्ष, प्रोज एंड कॉन्स। आइए अगले पेज पर चलते हैं और पहला शब्द है छवि का वर्णन। छ, व को छोटी ई, छवि का, व अण के ऊपर रेफ, न। छवि का वर्णन मीन्स इमेज डिस्क्रिप्शन। फैसला, फैसला मीन्स डिसीजन। अंतः प्रेरणा, अ के ऊपर बिंदी, त को विसर्ग, अंतः, प को पदेन, ए, र, अण को आ। अंतः प्रेरणा मीन्स इंटरनल मोटिवेशन। सहसा, स ह स को आ, सहसा मीन्स सडनली। आस्तीन, आ, आधा स, त को बड़ी ई, न, आस्तीन मीन्स स्लीव्स। चमत्कार, च, म, आधा त, क को आर, चमत्कार मीन्स मिरेकल, एम आई आर ए सी एल ई। आश्चर्य, आ, आधा श, च, य के ऊपर रेव, आश्चर्य मीन्स हैरानी। ईमान, ईमान मीन्स फेथ। तो आइए रीडिंग शुरू करते हैं। छह कमीजों का था, दो कमीजों का कपड़ा मैंने अपने लिए रख लिया और शेष चार कमीजों का हुजूर के लिए ले आया हूँ। उसने कपड़ा साहब के हाथ में दे दिया, उसने यानी धर्मचंद ने। जज साहब ने पहले कपड़े की तरफ देखा, फिर सेठ की ओर, फिर खिड़की से बाहर की तरफ देखा और फिर जमीन की ओर देखते हुए कहा, बड़ा सस्ता मिल गया, अच्छा किया जो आप ले आए। जज साहब कपड़े का मूल्य जानकर बहुत खुश हुए, उन्हें लगा कि ये सस्ता कपड़ा वह खरीद सकते हैं। यह सुनते ही धर्मचंद ने कहा, हम तो साहब सेवा करने को हमेशा तैयार रहते हैं, धन दौलत साथ नहीं जाती। साहब ने सात आने गज के हिसाब से कीमत दी, जो धर्मचंद ने सहर्ष ले ली। फिर चलते चलते बोला, साहब यहाँ के दर्जी बड़े बदमाश हैं, आप नए ही आए हैं, मैं अपना विश्वासी दर्जी भेजूंगा। सस्ता कपड़ा लेकर और अपना मनपसंद कपड़ा लेकर नए जज साहब बहुत खुश हुए। शाम को धर्मचंद ने अपना विश्वासी दर्जी साहब के घर भेजा। उसने वहां जाकर साहब की नाप और कपड़ा ले आया। धर्मचंद भगवान के सामने हाथ जोड़कर विनती करने लगा, प्रभु मेरी प्रतिज्ञा पूरी हुई। साहब
अब अवश्य ही उस कपड़े को पहन सकेंगी। यह सब आपकी इच्छा से ही हुआ है, अब मेरी लाज आपके हाथ है। हे विक्रम, कमीजें बन गई, स्त्री हो गई, उठाकर पहनने लायक भी हो गई। जिस दिन साहब के सामने मामला पेश होना था, ठीक उसी दिन सुबह धर्मचंद तैयार कमीजें लेकर साहब के घर पहुंचा। साहब तैयार कमीजों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने धर्मचंद का पुनः धन्यवाद किया। यानी तब तक भी जज साहब को ये नहीं पता था कि आज जिस मुकदमे के लिए वो न्यायालय जा रहे हैं वो मुकदमा धर्मचंद का ही है। हे विक्रम, ऐसा कौन साहब होगा जो ऐसी अच्छी कमीजें पहनने में भी देर करे, अर्थात कोई नहीं। ये साहब उनमें से एक कमीज पहनकर दफ्तर गए। जज साहब के सामने मामला पेश हुआ। उन्होंने पक्ष विपक्ष को समझा। अब तक भी वे नहीं जानते कि ये मामला धर्मचंद का था। एज ए जज उन्होंने पहले केस की स्टडी की। इसी समय धर्मचंद सामने से साहब को देखता निकल गया। दोनों की नजरें मिली, दोनों मुस्कुरा उठे। हे विक्रम, उस छवि का वर्णन तो शारदा भी नहीं कर सकती। यानी उस समय जो दृश्य था उसका वर्णन तो शारदा देवी या भगवान भी नहीं कर सकते। साहब ने फैसला लिखने के लिए कलम उठाई। इसी समय किसी अंतः प्रेरणा से उनकी नजर कमीज पर पड़ी। सहसा एक चमत्कार हुआ। एक क्षण में वह कपड़ा फौलाद में परिवर्तित हो गया। फौलाद यानी स्टील। उन्हें लगा कि उन्होंने कोई भारी भरकम चीज पहन रखी है। वो कपड़ा उन्हें भारी भरकम क्यों लगा? क्योंकि जब उनकी नजर अपनी कमीज पर पड़ी, उन्हें लगा कि ये वही व्यक्ति है जिसके कारण मैं अपना मन पसंद कपड़ा पहन पाया हूं। वे उस एहसान के तले दब गए। उस फौलादी कमीज के वजन से साहब की रीढ़ झुक गई। कमीज धीरे धीरे सिकुड़ने लगी और साहब के अंग अंग कसने लगे। आस्तीन सिकुड़कर हाथों में कसने लगी। कॉलर ने सिकुड़कर गला घोंट दिया। साहब कराह उठे। कमीज सिकुड़ती जा रही थी। उन्हें ऐसे लग रहा था जैसे धर्मचंद का एहसान उन्हें दबाता जा रहा हो। घबराकर साहब ने फुर्ती से धर्मचंद के पक्ष में निर्णय लिख दिया। एक क्षण में कमीज फिर से कपड़े की हो गई। कैसा चमत्कार हुआ! उन्हें लगा कि जैसे उसके पक्ष में उन्होंने अपना निर्णय लिखकर अपने एहसान को उतार दिया हो। धर्मचंद के जीतने की खबर फैल गई। सबको आश्चर्य हुआ। कोई कहता साहब ने ईमान खो दिया, कोई कहता साहब बेचारे क्या करें, ईमान तो धर्मचंद का गया। कुछ लोग कहते कि दोनों ने ईमान खोया, यानी दोनों ने विश्वास खोया। कथा समाप्त करने के पश्चात बेताल थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, हे विक्रम, कथा तूने भी सुनी, अब तू बता कि किसका ईमान गया, साहब का, धर्मचंद का या दोनों का? विक्रम ने तुरंत उत्तर दिया, ईमान किसी का नहीं गया, क्योंकि धर्मचंद ने कपड़े का दाम लिया और साहब ने भी कीमत देकर कपड़ा लिया। यानी उन्होंने रिश्वत नहीं ली थी, उन्होंने उस कपड़े का पूरा मूल्य चुकाया था। और ना ही धर्मचंद ने उन्हें रिश्वत दी थी, उसने भी अपने कपड़े का पूरा दाम लिया था। यह सुनते ही बेताल उड़ा और पुनः वृक्ष पर जाकर लटक गया, क्योंकि विक्रम ने सही उत्तर दिया था। तो बच्चों, ये हमने आज पेज 88 और 89 की रीडिंग की। तो आइए अब एक्सरसाइजेस कर लेते हैं। पहली एक्सरसाइज, लघु उत्तरीय प्रश्न। धर्मचंद किसका व्यापारी था? धर्मचंद कपड़े का व्यापारी था। उसकी दुकान पर एक दिन कौन आए? उसकी दुकान पर एक दिन जज साहब आए। नए जज साहब किस प्रकार के व्यक्ति थे? नए जज साहब बहुत ईमानदार व्यक्ति थे।
धर्मचंद ने नए जज साहब को कितने कमीज के कपड़े दिए? धर्मचंद ने नए जज साहब को 4 कमीजों के कपड़े दिए। पाठ के लेखक कौन है? पाठ के लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं। आगे एक्सरसाइज 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और पहला प्रश्न है, धर्मचंद ने नए जज साहब का स्वागत अपनी दुकान पर क्यों किया? बच्चों, आपकी सुविधा के लिए मैंने इस प्रश्न के कीवर्ड्स अपने पास लिखे हैं, आप भी अपनी कॉपी पर ये कीवर्ड्स नोट कीजिए। पहला, जज साहब, संयोग, दुकान, धर्मचंद, पहचानना, हाथ जोड़ना, सोफे, पान तश्तरी, बड़ी कृपा, पधारे, सेवा। तो बच्चों, जैसे कि आप इन शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाएंगे तो आपका उत्तर इस प्रकार होगा, जज साहब संयोगवंश धर्मचंद की दुकान पर गए। धर्मचंद ने उन्हें पहचान लिया कि इन्हीं जज साहब के पास उसका मुकदमा है। वह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसने उन्हें सोफे पर बिठाया और पान की तश्तरी उनके आगे की और बोला, बड़ी कृपा है साहब जो आप पधारे, बताइए क्या सेवा करो। बच्चों, पेज 86 पर आपने इससे रिलेटेड रीडिंग भी की है, आप वहां से भी इस क्वेश्चन को करने में सहायता ले सकते हैं। तो आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। शाम को भगवान के सामने प्रार्थना करते समय सेठ धर्मचंद उनसे क्या कहता है? तो फिर से अपनी पेंसिल उठाइए और दूसरे प्रश्न के भी कीवर्ड्स नोट कीजिए। पहला, भूल, उदारता, द्रौपदी, कमीज, टुकड़ा, ईमानदार साहब, आशीष, प्रतिज्ञा, महीने। अब इन वर्ड्स को भी हम वाक्यों का रूप देते हैं। धर्मचंद बोला, बड़ी भूल हुई भगवान, वस्त्र के मामले में मैं आपकी उदारता जानता हूँ। जब आप द्रौपदी को जरूरत पड़ने पर सैकड़ों साड़ियां देते गए तो क्या आपका ये भक्त एक कमीज का टुकड़ा नहीं दे सकता? ये ईमानदार साहब ही आज की द्रौपदी हैं। हे भगवान, आप मुझे आशीष दीजिए। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि एक महीने के भीतर ही साहब को ये कपड़ा पहना दूंगा। तो ये था आंसर नंबर 2 के कीवर्ड्स। तो बच्चों, जल्दी से इनको नोट कीजिए और मेरे द्वारा बोले गए वाक्य को एक बार फिर से सुनिएगा और अपने उत्तर को कॉपी पर लिखिएगा। अब जाते हैं हम तीसरे प्रश्न पर। विक्रम के अनुसार किसने ईमान खोया था, बताइए। तो चलते हैं अब हम तीसरे प्रश्न पर। तो बच्चों, तीसरे प्रश्न के भी कीवर्ड जल्दी से नोट कीजिए। पहला, धर्मचंद, दूसरा, जीतने, तीसरा, ईमान, बेताल, विक्रम, उत्तर, कपड़े, दाम और कीमत। यानी धर्मचंद के जीतने की खबर चारों ओर फैल गई। लोग कहने लगे कि साहब ने ईमान खोया है और कोई कहता कि दोनों ने ही ईमान खोया है। बेताल ने विक्रम से पूछा कि तुम्हारा क्या उत्तर है? तब विक्रम ने उत्तर दिया कि दोनों ने ही ईमान नहीं खोया। धर्मचंद ने कपड़े का दाम लिया और साहब ने कीमत देकर कपड़ा खरीदा, इसलिए ईमान किसी का नहीं गया। तो ये था प्रश्न 3 का उत्तर। बच्चों, ये जो तीनों प्रश्न के कीवर्ड्स मैंने आपको लिखवाए हैं, रीडिंग के अनुसार ये सारे वाक्य आपको उसमें मिलेंगे, आप वहाँ से भी सहायता लीजिए और मेरे कीवर्ड्स के अनुसार भी इन प्रश्नों के उत्तर बनाकर अपनी कॉपी पर लिखिए। निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहे? किसने किससे? हे विक्रम, तूने मुझे फिर वृक्ष से उतार कर अपने कंधे पर रख लिया। ये किसने कहा? बेताल ने विक्रम से।
कोई कमीज का अच्छा कपड़ा दिखाओ। जज साहब ने धर्मचंद से, साहब कीमत की कोई बात नहीं, आप ले तो जाइए। धर्मचंद ने जज साहब से, तो आइए भाषा बोध पर। विशेषण, विशेषण यानी एडजेक्टिव, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। दिए गए वाक्यों में विशेषण शब्दों को छांट कर लिखिए। यहाँ केवल आपको एडजेक्टिव बताने हैं यानी विशेषण बताने हैं। धर्मचंद एक ईमानदार सेठ था। कैसा सेठ था? ईमानदार, तो ईमानदार विशेषण। नए जज साहब ईमान के पक्के थे। नए जज साहब किसके पक्के थे? ईमान, तो ईमान विशेषण। धर्मचंद ने जज साहब को 3 कमीज के कपड़े दिए। धर्मचंद ने जज साहब को कितने कमीज के कपड़े दिए? 3, तो 3 विशेषण। आगे दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए यानी वाक्यांश। सदा धर्म का पालन करने वाला। बच्चों, वाक्यांश करते हुए या एक शब्द करते हुए इसके उत्तर के हिंट्स आपको क्वेश्चन में से ही मिल जाते हैं। सदा धर्म का पालन करने वाला यानी धर्म से बना धर्मात्मा। सदा सत्य बोलने वाला, सत्य से बना सत्यवादी। अधिक बोलने वाला, अधिक बोलने वाला वाचाल। दूसरों पर उपकार करने वाला, पर उपकार यानी परोपकारी। तो आइए अगले पेज पर। कारक, जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया या वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध प्रकट होता है उन्हें कारक कहते हैं। तो बच्चों, आपने अपनी पिछली कक्षाओं में कारक का टेबल किया था, याद कीजिए। कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से जुदाई, संबंध का, के की, अधिकरण ने, पर, संबोधन है अरे। तो आइए करते हैं कारक। रेखांकित शब्दों में कारक बताइए। हे विक्रम, तू मुझे फिर वृक्ष से उतार लाया। यहाँ पर संबोधन किया गया है, किसी को बुलाया गया है, तो ये संबोधन कारक है। स के ऊपर बिंदी, ब को ओ, धन। धर्मचंद ने जज साहब को पहचान लिया। किसने? कर्ता ने, धर्मचंद ने, तो ये कौन सा कारक हुआ? कर्ता। तुझे जज साहब पर दया नहीं आती? तुझे किस पर दया नहीं आती? जज साहब पर, तो पर अधिकरण कारक। नगर में एक कपड़े का व्यापारी रहता था, तो फिर से में है, नगर में यानी अधिकरण कारक। अ, ध को छोटी ई, करण, अधिकरण कारक। पाठ में आए किन्हीं 6 विदेशी शब्दों को छांट कर लिखिए। तो आइए करते हैं ये एक्सरसाइज। तो बच्चों, आपकी सुविधा के लिए कुछ विदेशी शब्द मैंने छांट कर रखे हैं, बाकी के आप बार बार जब रीडिंग को दोहराएंगे तो आपको भी कुछ विदेशी भाषा के शब्द मिलेंगे जो आप स्वयं करेंगे। तो पहला शब्द देखिए, ईमान। ईमान विदेशी भाषा का शब्द है। मैंने आपको लिखवाया था मुकदमा, तो मुकदमा भी विदेशी भाषा का शब्द है। तबादला, तबादला भी विदेशी भाषा का शब्द है। सट्टे, स आधा ट, ट को ए, सट्टे भी विदेशी भाषा का शब्द है। ऐसे ही सोफे, सोफे भी विदेशी भाषा का शब्द है। तश्तरी, तश्तरी भी विदेशी भाषा का शब्द है। ये कुछ शब्द मैंने आपके लिए ढूंढे। आप भी अब रीडिंग के दौरान कुछ नए शब्दों को ढूंढना और स्वयं इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना। तो हमारा आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। इस पाठ की अच्छी तरह से रीडिंग कीजिए, कठिन शब्दों को दोहराइए और एक्सरसाइजेस को कंप्लीट कीजिए। अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में। गुड बाय।